हे दोस्तों, मैं अमित। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है आप एक कार्ड से जो है डिजिटल कैमरे के कार्ड से जो है डेटा रिकवर कर पाएंगे। अगर जो है आप एक फोटोग्राफर हो, प्रोफेशनेटेड पर्सन हो जिसको जो है कैमरे का डेटा रिकवरी करना है, तो कैसे जो है आप वो रिकवरी कर पाएंगे। अगर आपने जो है डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, सब कंडीशन में जो है आप इजीली डेटा रिकवर कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो है देखने से पहले प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो है वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपको अपने कार्ड रीडर यूज़ करके जो है अपना एसडी कार्ड को जो है कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लेना है। देखिए मेरा एसडी कार्ड जो है कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है और इसे जो है मैं आपके सामने जो है फॉर्मेट करूँगा। और फॉर्मेट करने के बाद उस डेटा को जो है मैं रिकवर करके दिखाऊँगा आपको। तो चलिए जो है मैं ये वहाँ पर फॉर्मेट में लगा दिया। मेरा जो है फॉर्मेट कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। डिवाइस का नेम जो है आपका डी है। तो चलिए इसे जो है रिकवर किया जाए। तो उसके लिए जो है मुझे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका Easeus डेटा रिकवरी। पिछले के लगातार वीडियोस में मैं अपना डेटा रिकवर करके दिखा रहा हूँ इसी सॉफ्टवेयर से। तो ये जब ओपन कीजिएगा ऐसे इंटरफेस आ जाता है। और नीचे में देखिए यहाँ पे डिजिटल कैमरा बोल के जो मेरा एस ड्राइव है, डी ड्राइव, वो सिलेक्ट हो आ जाता है। यहाँ पे जाके जो है मैं स्कैन में क्लिक करूँगा बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो है ये स्कैन कंप्लीट होने तक जो है मुझे वेट करना होगा। ये खुद ब खुद जो है जितने भी फाइल्स जो मेरे वहाँ पे थे पेन ड्राइव पे आपका डिजिटल कैमरे में, वो सभी को जो डिटेक्ट कर लेगा। टाइम लगेगा ज़रूर जो, हाँ, लेकिन सभी फाइल जो है डिटेक्ट हो जाएगा। तो जब तक स्कैन ख़त्म नहीं होता मैं इस वीडियो को जो है पॉज रखता हूँ। स्कैन ख़त्म होने के बाद वीडियो जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, कहीं जाइएगा मत। दोस्तों स्कैन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसे जब जो है मैं फिर भी जो है रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी स्कैन चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी स्कैन बिना कंप्लीट हुए अगर मैं रिकवर करता हूँ तो कितना परसेंट रिकवर होता है वो देख लेते हैं। चलिए मैं जो है सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक नोटिस आता है, फिर भी मैं जो है रिकवर पर क्लिक करता हूँ। अपने लोकेशन जो है मैं अपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है फोल्डर्स बन गए हैं, देखते हैं। तो काफ़ी देख सकते हैं कि मेरा 50% डेटा जो है मेरा रिकवर होके आ गया है। और अगर मैं पेशेंसली वेट करता तो मुझे जो है मेरा बाकी फाइल्स भी मिल जाता। तो इसी तरह जो है आप ये Easeus डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपना जो है डेटा रिकवर कर पाएंगे फॉर्मेट या डिलीट हो जाने के बाद भी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए।